हर जगह मची है जन्माष्टमी की धूम। तो मैंने किस तरह से मनाया है जन्माष्टमी वो आपके साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। साथ में करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ व्लॉग और साथ में प्रोडक्ट रिव्यू है। तो हमने क्या क्या किया जन्माष्टमी के दिन, साथ में मैं खादी एसेंशियल्स का प्रोडक्ट रिव्यू भी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो जन्माष्टमी की तैयारी करनी थी, काफ़ी सारा जो है लड्डू गोपाल के लिए जो ड्रेस वगैरह था वो सारा कुछ हम गए थे मार्केट वगैरह लेने के लिए। तो ये वहाँ पर कुछ एन्जॉयमेंट भी किया हमने और इन सभी का जो मैंने कैप्चर किया है आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रिव्यू करने वाली हूँ द खादी एसेंशियल्स के प्रोडक्ट है ये, और जिसमें कि रोज़ वाटर है, प्योर वाइल्ड रोज़ वाटर है, साथ में मुझे मिला है फेस सिरम है विटामिन सी का और एक लिप बाम है। मुझे रिसीव हुए हैं खादी एसेंशियल्स के ये 3 प्रोडक्ट जिसे मैं आपको क्लोज से भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और ये सारे ही प्रोडक्ट टोटली नेचुरल है और टॉक्सिन फ्री है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स एडेड नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके स्किन को रिलेटेड। आप मुझे मिला है खादी एसेंशियल का एक रोज वाटर मिला है, प्योर है ये, बिल्कुल प्योर वाइल्ड रोज वाटर है। साथ में मुझे मिला है फेस सिरम है, ये विटामिन सी फेस सिरम है, 20% विटामिन सी फेस सिरम जो टोन्ड और ब्राइट स्किन बनाता है आपको। और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे मिला है फ्रेंड्स ये लिप बाम है, आपके लिप को बहुत ही अच्छा सा हल्का सा कलर भी देगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट सफल और बहुत ज्यादा जैसे कि पिगमेंटेटेड हो जाता है फ्रेंड्स, उसे भी क्योर आउट करता है। तो फ्रेंड्स, ये खादी एसेंशियल का है, ये रोज़ वाटर है, ये आपके रिफ्रेश करेगा स्किन को, शाइनिंग बनाएगा, साथ में सॉफ्ट सफल और यूथफुल बनाए रखता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये 20% विटामिन सी फेस सीरम है, ये स्किन को ग्लो देता है, पैचेस है, जो अनइवन सा स्किन टोन हो चुका है उसे क्योर आउट करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट सफल और ब्यूटीफुल बनाता है। और इसके कई सारे बेनिफिट्स है क्योंकि विटामिन सी सीरम है, अच्छे से पेनिट्रेट करता है, जो आपके स्किन के जो भी पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, उसे रिमूव करता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सा एक लिप बाम है, ये आपके लिप्स में जो भी पिगमेंटेशन हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाता है, जो स्किन डिसकलरेशन होता है लिप्स का, उसे ये क्योर आउट करता है, आपके लिप्स को सॉफ्ट सप्पल और बहुत ही ज़्यादा आपके लिप्स अट्रैक्टिव दिखते हैं इसको लगाने के बाद, धीरे धीरे जो पिगमेंटेशन है वो भी चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे आपको क्लोज से भी दिखाती हूँ। तो ये खादी एसेंशियल का 3 प्रोडक्ट है, प्योर वाइल्ड रोज वाटर है जो ग्लोइंग स्किन देता है, और ये देसी गुलाब से बना हुआ है फॉर डीप हाइड्रेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, खादी एसेंशियल्स के सारे ही प्रोडक्ट प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आते हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलते हैं, टॉक्सिन फ्री रहते हैं, आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक आई वुड सजेस्ट कि हमेशा प्रोडक्ट है नेचुरल और आयुर्वेदिक का ही यूज़ कीजिए। केमिकल चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती है, बाद में आपको पता चलता है इसका जो साइड इफ़ेक्ट। तो ये आयुर्वेदिक है, टोटली आपको बिल्कुल नेचुरल है फ्रेंड्स, और सस्टेनेबल है, और खादी प्रोडक्ट बाकी सभी से अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो ये रोज़ वाटर आपके स्किन को ग्लो बनाएगा, इस तरह से आपको आएगा नोजल, आपको जस्ट स्प्रे करना है। तो रोज़ वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, सॉफ्ट और सप्पल बनाए रखेगा, बिल्कुल यूथफुल सा स्किन पाएंगे आप। नेक्स्ट मुझे ये रिसीव हुआ, सब सारा कुछ एक ही साथ आया था मुझे। तो ये 20% विटामिन सी फेस सिरम है, टोन्ड एंड ब्राइट स्किन देता है, विद ग्रेप फ्रूट्स है फ्रेंड्स इसमें, और इस तरह की पैकेजिंग में आया है। तो इसको आपको 2 से 3 ड्रॉप ही आपको लगाना होता है और ये अच्छे से बिल्कुल डीपली पेनिट्रेट करेगा, आपके स्किन को देगा अच्छा खासा ग्लो। अगर आपके स्किन बहुत डल है, टायरिंग है, तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइन ग्रेपफ्रूट लिप बाम है फ्रेंड्स, फॉर लाइट एंड ब्राइट लिप्स है, विद विटामिन ई एंड SPF 20 है। तो ये आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सप्पल और रोज़ी लिप्स देगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। तो वर्थ बाइंग है, टोटली नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हम जाने वाले हैं मार्केट, जो लड्डू गोपाल के जो भी श्रृंगार का सामान है वो लेने जाएंगे। तो पन्नीलाल चौक है MP सतना में, अगर कोई है तो उनको पता होगा, तो आपको बता देती हूँ। तो मैं हूँ सतना MP में, मध्य प्रदेश में। तो ये रोड है पन्नीलाल चौक जाता है और मैं और रोशनी निकल चुके हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग 5:30 में निकले थे और धीरे धीरे काफ़ी भीड़ होना शुरू हो गई थी, और इस तरह से मार्केट में थोड़ा सा शाम को ही निकले थे, बट धूप बहुत ज़्यादा थी। तो ये पूरा जो रोड है सारा ही कुछ है जो पन्नीलाल चौक में है, अलग अलग चौक है उसमें, और यहाँ काफ़ी अच्छा खासा जो भीड़ रहता है ऑल टाइम।
तो फ्रेंड्स हम लोग एक शॉप गए थे, वहाँ सारे ही आइटम छोटे से बड़े लड्डू गोपाल के लिए श्रृंगार और पूजा के आइटम मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए थे और श्रृंगार का बांसुरी जो माला है वो कंगन वगैरह सारा कुछ। तो आप देख सकते हो अलग अलग प्राइसेस में यहाँ मिल रहे थे और इनके शॉप में काफ़ी कुछ मिलता है एक ही साथ सारा कुछ। आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा ही कुछ एक ही जगह आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो वस्त्र है कान्हा जी का और साथ में डेकोरेशन के जो है गोपी ड्रेसेस है और वो सारा ही कुछ एक जगह मिल रहा था। तो काफ़ी सारा है और आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के मिल रहे थे, लेसेस वाले थे और कुछ गोटा वर्क जैसा था और अच्छा खासा सीक्वेंस लगा हुआ इस तरह का। तो इसमें से हम लोगों ने कुछ सेलेक्ट किए थे और काफ़ी जो शॉप पूरा भरा हुआ था सामान से, बिल्कुल वैरायटी ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो मिल रहा था डिफरेंट पैटर्न के भी छोटे बड़े सारा ही कुछ। अच्छा लग रहा है तो बताओ ले लो, ये वाला नहीं एक वो था ना इसको हटा दो। इसका छोटा साइज है क्या भैया? इसका छोटा साइज है ना फ्लावर्स का। हाँ ऊपर का ट्रांसपेरेंट ज्यादा आता है, नाइट टाइप का डिजिटल लाइट कलर है ना, तो इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर परेशान हो जाए। तो कान्हा का जो डिज़ाइनर झूला वगैरह भी सारा कुछ मिल रहा था और उनके लिए हमने एक पगड़ी भी ली थी कान्हा के लिए और साथ में कलरफुल सा थोड़ा सा वाइब्रेंट सा दो ड्रेस लिया था और एक मयूर पंखा भी हमने लिया था उनका। और ये पूरा श्रृंगार का है, अलग से भी माला अवेलेबल था, साथ में अलग से कड़ा ले सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारे आपको जो है उनकी पगड़ी मिल रही थी कान्हा जी की, तो मैंने इसमें से एक लिया है। और इसके बाद मैंने एक और फुल सेट में से जो लिया था उसमें मयूर पंख था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो रोशनी का ही सारा कुछ जो है वो चॉइस करी थी, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है एक्चुअली। जो भी रोशनी इवन मैं जो ड्रेस पहनती हूँ क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो सारा कुछ वो एग्जैक्ट बताती है एक्चुअली। रोशनी की जो पसंद है बहुत अच्छी है और जो वो बोलती है जब मैं उसको वेयर करती हूँ तो वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से उसी की जो पसंद की मैंने चीज़ ली थी कान्हा जी के लिए। तो ये सारा ही कुछ श्रृंगार का है और अलग से मैंने कड़ा ले लिया था। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ये मल्टी कलर्स के हैं। तो एक पिंक कलर का ड्रेस मैंने लिया था, तो आप देख सकते हो पूरा ये शॉप एकदम खचाखच सा भरा था पूरा। तो सामान तो हमने ले लिया था बट बिलिंग करने में लाइन लगानी पड़ रही थी और लोग आ रहे जा रहे थे, तो वही मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। तो ये थी हमारी शॉपिंग और कान्हा जी के लिए मैंने जैसे कि ड्रेस लिया है दो और साथ में उनके लिए गद्दा जो रहता है वो सारा कुछ बिछाने वाला जिसमें जैसे कि कान्हा जी बैठते हैं सोते हैं वो वाला सारा कुछ लिया था। तो फोटो फ्रेम सारा ही कुछ एक जगह मिल जा रहा था और बाकी तो पूरा मार्केट ही हर जगह लोग, जितना अंधेरा हो रहा था फ्रेंड्स उतना ज़्यादा मार्केट पूरा लोगों से भर जा रहा था। अब फाइनली हम बिलिंग करवा रहे हैं और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आई थी मोबाइल शॉप में, मुझे जो यूएसबी चार्जर लेना था उसे मैंने लिया था और साथ में हमने खाया था फालूदा आइसक्रीम। तो ये रोशनी खा रही है फालूदा आइसक्रीम, बाकी आइसक्रीम्स के मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा आइसक्रीम खाया जाए। रोशनी ने फालूदा आइसक्रीम नहीं खाई थी तो ये बहुत अच्छा सा शॉप में इसमें फालूदा एक्स्ट्रा डाल के भी देते हैं। और इस तरह से पूरा मार्केट और जितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था उतनी ज़्यादा ये लाइटिंग सारा कुछ शुरू हो चुका है फ्रेंड्स और भीड़ भी होने लगी थी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये सारा ही कुछ आप देख सकते हो लाइट वगैरह जैसे कि ऑन हो चुके हैं और भीड़ भी बढ़ते जा रही थी। तो इसके बाद हम आए थे रेस्टोरेंट, तो ये श्रीनाथ रेस्टोरेंट है पन्नीलाल चौक में है और जो सतना एमपी में है वो तो यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। एक बार इनका अगर फूड खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आप चाहेंगे कि हमेशा यहीं पर आए और खाए। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और पाव भाजी और हमने यहाँ पर मंचूरियन ऑर्डर किया था क्योंकि घर में जाके फिर बनाने को होता नहीं है और पापा के लिए सोचा कि ले जाएंगे पार्सल तो हो जाएगा, काफ़ी देर मार्केट में ही हो गया था हमें।
तो भीड़ की वजह से भी और बीच में ट्रैफिक भी हो जाता है उसके वजह से भी रुकना पड़ जाता है। मेन स्पेशली जो फेस्टिवल टाइम में है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था और रोशनी शूट कर रही है तो मैंने रील भी बना लिया था, रील मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से भी आप श्वेता ठाकुर 79 देख सकते हो। तो फ्रेंड्स फूड मैटर करता है मेरे लिए, कहीं का भी हो, चाहे आप बड़े रेस्टोरेंट में खाए चाहे छोटे रेस्टोरेंट में खाए, बट मैटर करता है हाइजीन और साथ में टेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि बड़े रेस्टोरेंट में भी खाने में वो टेस्ट नहीं आता है, बट इनका जो श्रीनाथ रेस्टोरेंट करके है, छोटा रेस्टोरेंट है बट यहाँ का वर्थ बाइंग है, यहाँ के अगर आप फूड खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हम लौट रहे हैं घर की ओर, और फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस डे का जो भी है इस तरह का पूरा लाइटिंग लगा दिया गया था, जो हमारा जो ये रोडवे है इस तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने शूट किया है और फिर हम निकल चुके हैं घर की ओर। तो घर पहुंच चुके हैं और ये मैं पार्किंग कर रही हूँ, कुछ डिक्की में भी मैंने सामान रखा था उसको मैं निकाल लूँगी, और ऐसे रोशनी जब रहती है तो थोड़ा सा आराम हो जाता है मुझे। अगर मैं अकेले मार्केट जाती हूँ तो कुछ शूट करना नहीं होता है, क्योंकि शूट करूँगी तो सामान वगैरह छूट जाएगा तो नहीं होता है, तो रोशनी साथ में रहती है तो शूट कर देती है तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, तो वो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने जो भी सारा पोशाक वगैरह लेके आए थे, कान्हा जी का जो ऑर्नामेंट्स है, सारी ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ पहना दिए थे, और इस तरह से हमने तैयारी कर ली थी आप देख सकते हो। और इनकी जो होती है रात में पूजा होती है, और बहुत ही अच्छा सा दिन गया था, सारा ही दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का छोटा सा व्लॉग और साथ में आपको प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आया होगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। और जो प्रोडक्ट आज मैंने शेयर किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह से कोई अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी एंड टाटा एंड बाय बाय।